तो शिवम आज कहाँ जाने वाले हो, भाग क्यों रहे हो? Hey guys, hi, welcome back to my YouTube channel Nisha Dandani Fraternity. So before proceeding further, please guys subscribe कर दो मेरे चैनल को. एंड आज मैं और शिवम घूमने के इरादे से नहीं निकले हैं. एज़ यू नो गाइस, समर वेकेशन चल रहा है तो घूमना तो हमारा लगा रहता है. बट अभी हमने डिसाइड किया है कि हम घूमने की जगह कहीं पे कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं बाय थीम वाइज एंड टेस्ट वाइज. तो बहुत ढूंढने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना बारबेक्यू नेशन चला जाए, जो कि डाक बंगला में है, वन प्लाज़ा के ऊपर 8th फ्लोर पे. बट वहाँ पे जब हम गए ना तो एसी मेंटेनेंस में था, तो जस्ट उसके बगल में फॉरेस्टो रेस्टोरेंट था. इसमें हमने एंट्री लिया. इसका थीम बहुत अच्छा था, बिल्कुल नेचर पे डिपेंड था. एंड ग्रीन ग्रीन पूरे वाइब्स आ रहे थे. अंदर में भी आप देख सकते हो हल्की सी म्यूज़िक चल रही थी. एंड ऑसम था थीम यार, मीन्स मज़ा आ गया. एंड मैं थर्ड टाइम आई हूँ गाइस. मैं ऐसे प्रिटेंड कर रही हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, बट ये मेरा थर्ड टाइम है. बट कि हमेशा फंक्शन और ओकेज़न पे आती थी. ये पहली बार मेरे खर्चे होंगे और मैं शिवम को लेके आई हूँ, क्योंकि उसे भी था कि मासी कोई थीम वाइज वाले में चलते हैं जिसमें कुछ अलग प्रिटेंड हो. तो हम यहाँ आ पहुँचे हैं. टेस्ट का तो शिवम बताएगा एंड मुझे तो टेस्ट का पता है, फिर भी हम कुछ नया ट्राई करेंगे. तो लेट्स बिगिन. सो अभी ऑर्डर आने में टाइम है, तो तब तक मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या ऑर्डर किया है. तो मैंने यहाँ पे नॉन वेज में, इन्होंने मुझे बताया कि हमारा सबसे बेस्ट है मुर्गे रहरा, जो कि इसका कॉस्ट पड़ रहा है 435. और मेक श्योर गाइस आपका GST एप्लीकेबल है, मतलब कॉस्ट के बाद आपका GST लगेगा. अभी कितना लगेगा ये नहीं पता. वैसे तो 5% वाला होता है सर्विस और स्टेट टैक्स, इनका मुझे नहीं पता कि कितना लगे. और ये रही मैं. तो अभी इन्होंने कहा है कि 20 मिनट का टाइम लगेगा आने में, तब तक के लिए मैंने इसका वीडियो बना लिया है. फॉरेस्ट हो, वैसे मैं इसमें थर्ड टाइम आ रही हूँ, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया था ना ही फ़ोटो क्लिक किया था, क्योंकि हमेशा पार्टी फंक्शन से आई थी, खुद के लिए कभी नहीं आई थी. आज शिवम के जिद करने पे शिवम के साथ मैं आई हूँ खुद के लिए. और नहीं तो से हाय मेरे ऑडियंस को, 341 मेरी यूट्यूब फैमिली को. आज 341 है, आज 341 है, क्या पता 3 लाख हो जाए. विश करो यार एडवांस में 3 लाख फैमिली को. ये लड़का हमेशा बिजी होता है, मतलब इसको फोक और नाइफ मिल जाए ये लगता है फ़ोन को ही काट खाएगा, क्योंकि यार बहुत टाइम लगता है इन लोगों को ऑर्डर देने के बाद. 20-25 मिनट तो लग जाते हैं, अगर ढंग से खाना है तो 20-25 मिनट तो देना हो. बट इस कुत्ते को ये देखो, ये डिजी डली अब अपनी भूख मिटाएगा, है ना शिवम? तू ऐसे मत कर, तू ऐसे कर. सो गाइस हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और ये रहा मुर्ग रहरा विथ स्टफ नान. एंड देखने में तो अच्छा लग रहा था. वेल खाने के बाद पता चलेगा कैसा है. याद है तुम्हें हमने क्या ऑर्डर किया है? मुर्ग रह रहा. खा के बताओ जल्दी, कितना कमीना है. ऐसे ही गाइस मैं इसको गाली नहीं देती हूँ, ये उस लायक है, ही डिजर्व द बेस्ट गाली. अबे गधे, इसके साथ खा के बताना. व्हाट नॉनसेंस गाइस, मैं ही बताती हूँ. नहीं लगेगा शायद, भगवान पैसा वसूल लगे. पैसा वसूल तो है के साथ. अच्छा सो गाइस, मुर्ग रहरा इज नाउ बीइंग माय पर्सनल फेवरेट बिकॉज दे कुक इट क्वाइट वेल.
बट द स्टफ नान इज़ ओ माई गॉड हिट है यार, सीरियसली बहुत अच्छा था स्टफ नान। मीन्स मैं बहुत जगह खाए हूँ, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका टेस्ट। एंड थोड़ी देर बाद ही मैंने जीरा राइस भी ऑर्डर किया, एंड ऑल्सो द जीरा राइस और मुर्ग रहरा ग्रेवी का कॉम्बो जो था ना, मज़ा आ गया यार सीरियसली, मतलब बहुत अच्छा लगा। आप देखना, मीन्स ऐसे कॉम्बो करके खाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और विदाउट राइस नॉन वेज तो खैर मेरा कभी सक्सेस होता ही नहीं है, तो फाइनल मैंने ये। और इन सब को खाने के बाद मेरा मन भी हुआ कि डेजर्ट वगैरह ऑर्डर करूँ, बट शिवम का वैसा मन नहीं हुआ कि डेजर्ट खाने का, तो हमने रहने दिया, कहा फिर इसको अच्छे से इंजॉय करा हमने, आप देख सकते हो। बहुत पुराना है और हम पुराने रेस्टोरेंट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि वहाँ का खाना टेस्टी होता है, अदरवाइज़ अभी जो नए नए खुल रहे हैं उनका ना बस सेल्फी पॉइंट और वीडियो पॉइंट ही होता है, अदरवाइज़ खाने में कोई टेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ का खाना मुझे बहुत टेस्टी लगा, एंड आप इसमें फंक्शन भी कर सकते हो, बुक कर सकते हो, उसके बर्थडे पार्टी वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये हमारा आज का थीम था और हम निकल चुके हैं। इसके बाद हम आइसक्रीम खाने की इच्छा रख रहे थे, तो हम आइसक्रीम पॉइंट पे गए, एंड अभी थोड़ी सी ट्रैफिक मिली है। मैं आपको एक बार ना पूरा व्यू दिखा देती हूँ। इसका एक रूफ टॉप भी बना हुआ था जो कि काफ़ी अच्छा था, तो गर्मी होने की वजह से हम वहाँ पे नहीं खाएं, अदरवाइज़ रात को नाइट में हम लोग खा सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये पूरा पटना कैसा दिखता है, शिवम को एक एक चीज़ मैं बता रही थी, जब भी मैं घूमती हूँ उसके साथ तो उसको एक एक चीज़ मैं बताती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है कि वो कुछ जाने, वो कुछ सीखे। एंड आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ इसका रूफ टॉप कैसा है, देखो बहुत अच्छा है, थीम अच्छा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस हो रही थी, तो हमने अंदर बैठने का डिसाइड किया। इसके बाद हमारा हो गया एंड वी आर कॉपी ईच अदर, तो हमारा कुछ इस तरह से था आज का इन्जॉयमेंट। एंड गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं लाती रहूँगी हर सैटरडे के सैटरडे, सो बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।